हेलो माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स इस वीडियो में आज हम क्लास सेवेंथ सोशल साइंस के एक हाफ ईयरली क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं और ये क्वेश्चन पेपर केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट्स के लिए है सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग रूलर्स एनवॉल्व इन द ट्राई स्ट्रगल ट्राई स्ट्रगल में शामिल थे गुर्जरा परतिहारा राष्ट्रकुटास एंड पाला सेकेंड क्वेश्चन है विच इज द होली बुक ऑफ मुस्लिम मुस्लिम की पवित्र पुस्तक है कुरान तीसरा क्वेश्चन है डेली फर्स्ट बिकम्स द कैपिटल ऑफ द किंगडम अंडर द डेली पहली बार तोमर राजपूत के अंडर में कैपिटल बनी क्वेश्चन नंबर फोर है विच रूलर फर्स्ट एस्टैब्लिश हिज आर हर कैपिटल ऑफ डेली किस रूलर ने सबसे पहले दिल्ली को अपनी कैपिटल बनाया था करेक्ट आंसर है अनंग पाल क्वेश्चन नंबर फाइव है विच ऑफ दिस इज वन कॉम्पोन ऑफ एनवायरमेंट नेचुरल एनवायरमेंट ह्यूमन मिड इनवाट ह्यूमन करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर सिक्स है ऑफ दिस इज नॉट अ लेयर ऑफ द अर्थ इनमें से कौन अर्थ की लेयर नहीं है क्रस्ट मेंटल कोर नन ऑफ दिस ये सभी अर्थ की लेयर्स हैं इसलिए करेक्ट आंसर है डी नन ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर सेवन है ऑक्स बो लेक्स आर फाउंड आपस बहुत झील है रिवर वैलीज में क्वेश्चन नंबर एट है व्हाट इज द मिनिमम वोटिंग एज इन इंडिया भारत में वोट करने की मिनिमम एज है एटीन इयर्स। नाइन क्वेश्चन है बाय वूम आर द पब्लिक हेल्थ सर्विस रन पब्लिक हेल्थ सर्विस को कौन रन करता है आंसर है गवर्नमेंट क्वेश्चन नंबर टेन हु इज द हेड ऑफ द स्टेट स्टेट का हेड कौन होता है स्टेट का हेड होता है गवर्नर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर इलेवन है वॉट आर द टेक्निकल चेंजेस हैपन्स ड्यूरिंग मेडिवल टाइम मेडिवल टाइम पीरियड में कौन कौन से टेक्निकल चेंजेस हुए मेडिवल पीरियड में टेक्निकल चेंजेस इस तरह से हुए पहला वर्टिकल विंड मिल्स दूसरा स्पेक्टिकल्स तीसरा इम्प्रूव वाटर मिल्स चौथा गूथिक आर्किटेक्चर पांचवा मेडिवल कॉस्टल्स और छठा है थ्री फील्ड क्रॉप रोटेशन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है राइट एनी टू बेनिफिट ऑफ मिड डे मील स्कीम मिड डे मील स्कीम के कोई दो फायदे बताइए फर्स्ट एडवांटेज है सेटिस्फाइज द हंगर्स ऑफ मैनी चिल्ड्रंस और सेकेंड है सप्लाइज न्यूट्रियस फूड टू पुअर चिल्ड्रंस विच हेल्प देम टू कंसनट्रेट ऑन स्टडीज बेटर क्वेश्चन नंबर थर्टीन है राइट एनी फोर एग्जाम्पल्स ऑफ ह्यूमन मिड इन्वायरमेंट इंसानों द्वारा बनाए गए इन्वायरमेंट के कोई चार उदाहरण लिखिए फोर एग्जाम्पल्स ऑफ ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट्स आर पहला है बिल्डिंग्स दूसरा है पार्क तीसरा है ब्रिजेस और चौथा है रोड्स क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है वॉट इज रॉक साइकिल रॉक साइकिल क्या है आंसर है अ रॉक साइकिल इज द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट दैट शोज द ट्रांजिशंस एमंग द थ्री बेसिक रॉक्स टाइप्स मेटामॉर्फिक इग्नियस एंड सेडिमेंट्री क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन है मैच द फॉलोइंग यहाँ पर डेनेस्टी दी हुई है और यहाँ पर इनकी लोकेशन इन्हें आपस में मैच करना है पहली है गुर्जर पर ये थी गुजरात और राजस्थान में दूसरा है राष्ट्रकुटा ये थी वेस्टर्न टेक्कर में तीसरा है पाला ये थी बंगाल में और चौथी है चोला ये थी तमिलनाडु में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन है व्हाट इज इको सिस्टम इको सिस्टम क्या है आंसर है एन इको सिस्टम इज सिस्टम दैट इन्वायरमेंट एंड देयर ऑर्गेनिज्म फॉर्म Through their intersection, the biotic and abiotic components are linked together through nutrient cycles and energy flows. Question number 17 hai What are exogenic and endogenic forces? ये दोनों फोर्स क्या होते हैं? ये दोनों फोर्स अल्टीकी सरफेस को शेप देने का काम करते हैं। Exogenic force external force होता है और endogenic force internal force होता है। आंसर है एक्सोजेनिक फोर्सेस एंड एंडोजेनिक फोर्सेस आर टू टाइप ऑफ फोर्सेस दैट शेप द अर्थ सरफेस एक्सोजेनिक फोर्सेस ओरिजिनेटेड फ्रॉम द अर्थ सरफेस एंड आर आल्सो नोन एज एक्सटर्नल फोर्सेस एंडोजेनिक फोर्सेस ओरिजिनेट फ्राम विदिन द अर्थ एंड आर आल्सो नोन एज इंटरनल फोर्सेस क्वेश्चन नंबर एटीन है वाई यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज इम्पॉर्टेंट इन डेमोक्रेसी आंसर है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज इम्पॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी बिकॉज इट गिव्स एवरी एडल्ट सिटीजन द राइट ऑफ बोट रेगार्डलेस ऑफ देयर सोशल स्टेटस जेंडर वेल्थ कास्ट कलर क्रीड और रिलीजन क्वेश्चन नंबर नाइनटीन है राइट डिफरेंसेस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ सर्विस पब्लिक और प्राइवेट हेल्थ सर्विस में क्या डिफरेंस है पहला डिफरेंस है पब्लिक हेल्थ सर्विसेज आर रन बाई द गवर्नमेंट वाइल प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज आर मैनेज बाई द इंडिविजुअल्स आर कंपनीज और सेकेंड डिफरेंस है पब्लिक हेल्थ सर्विस प्रोवाइड हेल्थ केयर फैसेलिटीज़ आइदर फ्री और एट लो कास्ट सो दैट इवन द पुअर कैन सी ट्रीटमेंट इजीली और प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड हाई कास्ट फैसिलिटीज़ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी है रज़िया सुल्तानबास यूनिक इन दिस्ट्री ऑफ द डेली सल्तनत डू यू थिंक वोमेन लीडर्स आर एक्सेप्टेड मोर रिडली टूडे रज़िया सुल्तान दिल्ली सल्तनत के लिए यूनिक थी क्या आपको लगता है कि आजकल वुमेंस लीडर को आसानी से स्वीकार किया जाता है आंसर है यस वुमेन लीडर्स आर एक्सेप्टेड मोर रेडली टुडे देन दे वर इन द पास्ट एंड रज़िया सुल्तान्स यूनिकनेस एज अ वुमेन रूलर इन द दिल्ली सल्तनत इज़ अ फैक्टर इज दैट द वर्ल्ड इज मोर ओपन माइंडेड अबाउट जेंडर इक्वलिटी टूडे एंड इज मोर एक्सेप्टिंग ऑफ वुमेन एज लीडर्स लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन है नेम थ्री टाइप्स ऑफ रॉक्स डिफाइन दिम राइट एनी टू यूज ऑफ रॉक्स फर्स्ट रॉक है इग्नियस रॉक इग्नियस रॉक आर फॉर्म्ड फ्रॉम मिल्टेड रॉक डीप इनसाइड साइड द अर्थ सेकेंड है सेडिमेंट्री रॉक सेडिमेंट्री रॉक आर फॉर्म्ड फ्रॉम लेयर्स ऑफ सैंड सिल्ट डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स एस्लेट और तीसरी है मेटामॉर्फिक रॉक्स मेटामॉर्फिक रॉक्स फार्म फ्राम अदर रॉक्स ज बाई हीट एंड प्रेशर अंडरग्राउंड और रॉक्स के यूजेस हैं सम ऑफ दॉक आर एसोस फॉर बिल्डिंग्स रोड्स हाउसेज एंड कॉन्स्ट्रक्टिंग बिल्डिंग्स फॉर मेकिंग ज्वेलरीज एक्सेट्रा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वॉट काइंड ऑफ इरीगेशन वर्क वेवलप इन द तमिल रीजन वाट वर द एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद द चोला टेम्पल्स तमिल रीजन में बहुत सारे इरीगेशन डेवलपमेंट किए गए हैं जैसे वेल्स डग इन मैनी एरियाज़, सेकेंड है टैंक्स बिल्ट टू स्टोर रेन वाटर तीसरा है कैनाल्स बिल्ट टू कैरी वाटर टू फेल्स और लास्ट है इम्बैंकमेंट्स बिल्ट इन द डेल्टा रीजन्स टू प्रिवेंट फ्लडिंग और चोला टेम्पल्स में कई तरह की एक्टिविटीज होती हैं जैसे चोला टेम्पल्स वर सेंटर ऑफ सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल एक्टिविटीज़ फॉर एग्जाम्पल क्राफ्ट प्रोडक्शन म्यूजिक एंड डांस चैरिटी एक्सेट्रा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर और ट्वेंटी फाइव में पैसेज दिए हुए हैं इन्हें आपको रीड करना है और इसमें पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर देने हैं इन पैसेज को आप रीड कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री के पैसेज में पहला क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज एटमॉस्फेयर आंसर पैसेज के पहली लाइन में ही है अवर अर्थ इज सराउंडेड बाय ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमोसफेयर सेकेंड क्वेश्चन है नेम द टू गैसेज विच मेक अस बल्क ऑफ एटमोसफेयर उन दो गैसेस के नाम बताइए जो एटमॉस्फेयर के अधिकतम भाग को बनाती हैं आंसर है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर टू गैसेस विच मेक अप द बल्क ऑफ एटमोसफेयर तीसरा क्वेश्चन है विच इफेक्ट इज क्रिएटेड बाई कार्बन डाइऑक्साइड बाई ट्रैपिंग द हीट ये इफेक्ट है ग्रीन हाउस इफेक्ट फोर्थ क्वेश्चन है बाई विच प्रोसेस ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन यहाँ पर देखिए ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर में पैसेज नहीं है पिक्चर गिवन है और यहाँ कुछ लिखा हुआ है जो क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन है आपको उनके आंसर देने हैं पहला प्रश्न पूछा गया है व्हाट इज द फुल फुल फॉर्म फॉर्म ऑफ का क्या है यहाँ पर टेक्स्ट क्लियर नहीं है इसलिए आंसर मैं आपको डायरेक्ट बता दे रही हूँ एम एल ए का फुल फॉर्म है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म रूलिंग पार्टी द पॉलिटिकल पार्टी दैट हैज द दिटी इज कॉल्ड द रूलिंग पार्टी क्वेश्चन नंबर थ्री है नेम एनी वन पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया इंडिया में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी हैं किसी भी पार्टी का नाम आप लिख सकते हैं जैसे बीजेपी भारतीय जनता पार्टी बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी या कांग्रेस पार्टी चौथा क्वेश्चन है हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है आंसर है करेंट में है डॉक्टर मोहन यादव क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव में एक पैसेज दिया हुआ है रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन इसे रीड कर लीजिएगा इसे पूछे गए क्वेश्चंस के, के आंसर देने हैं पहला क्वेश्चन पूछा गया है हु वर नोन एज मनसबदार्स इन मुगल एम्पायर यहाँ पर देखिए दोज हु ज्वाइन मुगल सर्विस वर एनरोल्ड एंड मनसबदार्स क्वेश्चन है वॉट इज द मीनिंग ऑफ मनसब मनसब की मीनिंग है पोजिशन या फिर रैंक तीसरा क्वेश्चन है वॉट इज जात यहाँ पर देखिए रैंक एंड सैलरी वर डिटरमाइंड अ न्यूमेरिकल वैल्यू कॉल्ड जात और पैसेज का लास्ट क्वेश्चन है हाउ देयर सैलरी यहाँ पर देखिए मनसबदार रिसीव्ड देयर नंबर कार्ड जागी में है वर्क मार्क द फॉलोइंग प्लेसेस इन इंडिया में पहला है चोलास दूसरा है पालास और तीसरा है मध्य प्रदेश मैप में देखिए ये एरिया चोलास का है ये है पालास का और ये है मध्य प्रदेश दिस इज द एंड ऑफ यूट्यू थैंक्स फॉर वॉचिंग